बिजनौखबर टीवी में आपका स्वागत है। एसपी नीरज कुमार जादौ ने फैला दिया हरदोई में अपराधियों के दिलों में अपना खौफ। न चोरी न डकैती, हर क्राइम पर लगा दी रोक। लोग नहीं जा रहे थाने, नहीं जा रहे सीओ ऑफिस, आ जाते हैं एसपी ऑफिस। लोगों से एसपी नीरज कुमार जादौ ने की अपील, कहा आप पहले थाने जाओ, वहाँ भी होगी आपकी सुनवाई। हर थाने को दे रखे हैं मैंने आदेश, जिसने नहीं की सुनवाई वो हो जाएगा तुरंत सस्पेंड। ये बात सिर्फ एसपी साहब ने बोली ही नहीं, उन्होंने काफी पुलिसकर्मी को कर दिया लापरवाही पर सस्पेंड। पुलिस वाले भी बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं हरदोई में काम। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से जनपद बिजनौर में एसपी नीरज कुमार जादौन लगा गए क्राइम पर फुल स्टॉप, सुधार गए उन पुलिस कर्मियों को जो करते थे पुलिस विभाग को बदनाम करने का काम। जी हां, एसपी नीरज कुमार जादौन ने बिजनौर में 100 के लगभग कर दिए थे अपने कार्यकाल में पुलिस कर्मी सस्पेंड। नहीं थी उन्हें जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त, वैसे ही कर रहे हैं एसपी नीरज कुमार जादौन जनपद हरदोई में कार्य। पुलिस कर्मी पूरी लगन से कर रहे हैं काम, जो भी पुलिस कर्मी बरत रहा है लापरवाही उसे कर रहे हैं एसपी नीरज कुमार जादौन सस्पेंड। हरदोई के लोग थाने चौकी भूल गए, चले जाते हैं डायरेक्ट एसपी ऑफिस, जिन्हें एसपी नीरज कुमार जादौन ने दिया आश्वासन, कहा आप लोग थाने चौकी भी जाओ, वहां भी होगी आपकी कार्यवाही। और सुनिए एसपी नीरज कुमार जादौन की जुबानी, उन्होंने क्या क्या बताया। और सभी लोग खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करें। जन सुनवाई को लेके मेरे द्वारा बहुत ही व्यापक निर्देश दिए गए, बहुत ही विस्तार से बताया गया सभी थानों को कि जो भी जन सुनवाई के लिए शिकायती थाने पर आ रहा है, कोई भी पीड़ित थाने पर आ रहा है, तो उसको बहुत ही संवेदनशीलता से उसको हैंडल करें, साथ ही साथ उसको रिसीविंग भी दें, जिससे कि वो अपने पास रिकॉर्ड रख सके और आगे आ सके, पूछ सके कि उसकी शिकायत में क्या कार्रवाई हुई है। सेम व्यवस्था पुलिस ऑफिस में भी की गई है, यहाँ पर भी सभी को रिसीविंग दी जाती है और सुनवाई की जाती है। मैं ऑफिस लगभग 9:30 पे डेली आ जाता हूँ और लगभग 3 तक रहता हूँ यहाँ पे। पब्लिक काफ़ी, क्योंकि आज सोमवार है तो सोमवार को पब्लिक ज़्यादा संख्या में आती है, तो लगभग 100+ के ऊपर जनसुनवाई हो चुकी है और लगभग इतने ही लोग बाहर वेट कर रहे हैं। मेरा सभी से अनुरोध है, पुणे में अनुरोध कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप थाने पर जाएँ जनसुनवाई के लिए। अगर थाने पर सुनवाई ना हो तभी पुलिस ऑफिस में आएँ। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डायरेक्ट पुलिस ऑफिस आ रहे हैं थाने ना जाके, क्योंकि हरदोई जनपद क्षेत्रफल में बहुत बड़ा जनपद है और काफ़ी दूर से आप लोग आते हैं, तो सबसे निकटतम थाने में सर्वप्रथम जाएं, जिससे कि आपकी सुनवाई हो सके, और अगर वहाँ पे शिकायत की सुनवाई नहीं होती तो ज़रूर मेरे पास आए। बहुत बहुत